हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक छोटे से वीडियो पे स्वागत है। ये छोटा सा ही वीडियो होगा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है। दोस्तों एक बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है कि फाइनली फ्री फायर इंडिया से बैन हो गया। दोस्तों आप लोगों ने पिछले साल सुना था कि पबजी बैन हुआ था, टिकटॉक बैन हुआ था, अब इस साल का सबसे बड़ा न्यूज यही है कि फ्री फायर बैन हो गया। इस पे वीडियो बनाना काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि मेरे सारे क्रिएटर्स है और मैक्सिमम यहाँ पर काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो फ्री फायर गेमिंग वीडियोस बनाते थे, ठीक है, गेम प्ले करते थे या फिर लाइव स्ट्रीम करते थे। तो उन सब का भी जो है अब क्या होगा पता नहीं। जब कोई गेम या फिर कोई ऐप जब बैन हो जाता है तो उसका उस तरह का क्रेज नहीं रहता। लाइक आप लोगों ने सुना था जब पबजी बैन हो गया था, बैन होने के बाद पबजी फिर से रिटर्न भी आया, बैक हुआ, लेकिन वो क्रेज नहीं है जो पहले था। लाइक जिस टाइम पबजी था, जब बैन नहीं हुआ था उस टाइम मैं भी पबजी खेलता था, लेकिन बैन होने के बाद ना एक माइंडसेट बैठ जाता कि यार बैन हो गया, छोड़ो इस गेम को और क्या ही खेलना। तो और उसके बाद मैंने कभी पबजी को इंस्टॉल ही नहीं किया, ठीक है। बाकी पता नहीं बहुत सारे लोग अभी भी खेलते हैं, बट वो चीज मैं बता रहा हूँ कि पहले जो क्रेज था वो क्रेज अभी नहीं है। उसी तरह से अभी फ्री फायर बैन हो गया, अब फ्री फायर से जुड़ा जितना भी चैनल्स था, थोड़ा सा तो उन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ा इफेक्ट ना पड़े, आई होप सो, लेकिन इफेक्ट जरूर पड़ेगा व्यूज के मामले में। कुछ भी आप लोग जो भी बोलो, आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को ये न्यूज सुनकर के कैसा फील हुआ। आप अच्छा, सैड हो या गुड हो, ठीक है, हैप्पी हो, वो अपना जरूर राय यहाँ पर कमेंट पे दे देना। और टोटल 54 एप्स को बैन किया गया है, उसमें जो है फ्री फायर भी इंक्लूड है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना था, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे देना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।